जिस दिन से मैं इस घर में आई ना, उस दिन से यहाँ बस सफाई करने का ही काम हो रहा है। अतिथि आप कब जाओगे? अतिथि नहीं जाएंगे, अतिथि यहीं रहेंगे। आज उनकी तैयारी हो गई है ऊपर केदारनाथ धाम में जाने की, तो शुभ यात्रा आपको। मनी कैसा हो रहा आज? पहाड़ी स्पेशल थाली एक नंबर। और मैं भी तेरी पूरी हेल्प करने में किचन में दाल वगैरह चढ़ा दी। अच्छा, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है अपने नए वाले घर से। बाकी कल गृह प्रवेश भी हो चुका है और आप सभी का गृह प्रवेश वाली वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस घर को बनने में भी ना सबसे ज़्यादा सहयोग आप लोगों का भी है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो अभी यहाँ घर पे देखिए भाई, काफ़ी सारा अस्त व्यस्त माहौल हो रखा है यहाँ पे। अभी अभिजीत और सुनैना भी लगे हैं सफाई वगैरह करने पे, ये भी आज मेरी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे दीदी भी रेडी हो गई है, कहाँ के लिए? देखते हैं, ब्लॉग शूट करते हैं। और मैं भी तेरी पूरी हेल्प कर रही हूँ, किचन में दाल वगैरह चढ़ा दी। अच्छा, थैंक यू सो मच। और यहाँ कमरे में भी देखिए भाई, पूरा ऐसा ही अस्त व्यस्त माहौल हो रखा है। यहाँ पे मिठाई के डब्बे वगैरह रखे हुए हैं और खूब सारे हमारे नए वाले घर के लिए गिफ्ट भी आ रखे हैं। ये भी मैंने अभी तक ओपन नहीं करे हैं, तो थोड़ी देर में इनको भी ओपन करते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं किचन का हाल। किचन में भी पूरा ऐसा ही अस्त व्यस्त माहौल हो रखा है। सिंक में देखिए भाई, खूब सारे बर्तन रखे हुए हैं, ये भी मेरे को अभी धोने हैं। और थोड़ी देर में क्या पता हमारे यहाँ मेहमान भी आ सकते हैं, तो जल्दी जल्दी मेरे को खाना भी बनाना पड़ेगा। बाकी इन अलमारियों पे ना मेरे ये डब्बे वगैरह जो रखे हुए थे, इनमें भी अभी मेरे को फुल सामान भरना है। यहाँ पे देखिए भाई, जो कल माँ लेके आई थी ना भट वगैरह, वो मैंने एक डब्बे में रख दिए हैं। यहाँ पे हमारी पुप्सा सूजी घर के चावल लेके आए थे, वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। तो अभी धीरे धीरे सारा सामान चाहिए हमको यहाँ के लिए भी। और यहाँ पे हमारा बेटा अभिजीत देखिए भाई, खूब सारी हेल्प करता है हमारी। सुबह से ये भी लगा हुआ है अपने काम पे। हाँ, कुछ काम कर ले तू भी, कुछ तो कर ले काम। बुखार आ गया इसको, काम के लिए बोलो, इसको बुखार आता है सीधे। हमने यहाँ गैस पर कुकर पर राजमा की दाल चढ़ाई हुई है और कल से सुनैना का काम है बर्तन धोने का। इसको बर्तन धोने में मजा आ रहा है क्योंकि ऊपर गीजर लगा हुआ है ना, बिल्कुल भी ठंडे पानी से नहीं धो रही है, गर्म पानी से बर्तन धो रही है। मजा आ रहा तेरे को? अब बुखार भी आ रहा फिर? अरे यार कोई नहीं, भाभी की मदद कर ले। हाँ, और इधर प्रीति अपने बड़े बड़े इन राशन के बर्तनों में राशन भी डालने लग गई है। राशन बर्तन बड़े हो गए, राशन कम पड़ गई है। देखो राशन तो थोड़ा सा ला रखा। चलो अब लाएंगे। अब लाएंगे ना धीरे धीरे करके, आज के लिए इतना हो जाएगा। चलो डाल दे। ये देखो हो गया भाई, इतना काफी हो जाएगा। वो ग्राउंड फ्लोर तक हुआ अभी। तो सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने कामों पर। किचन की थोड़ा बहुत सफाई हो गई है और बाहर सफाई करना बाकी है। तो यहाँ पे एक ये वाली गगरी है मेरी शादी की, इसमें देखिए फुल पानी भरा हुआ है क्योंकि ऐसा शुभ माना जाता है। बाकी यहाँ पे एक छोटी सी गगरी भी है, इसको हमारे यहाँ बंठा बोलते हैं और इसको गागर बोलते हैं। ये जो बंठा है ना, ये छोटा सा है, बड़ा प्यारा सा है। और ये बंठा मेरे को सासू जी ने गिफ्ट करा है हमारे नए वाले घर के लिए। बाकी यहाँ बर्तनों में देखिए भाई, खूब सारा ये पनीर वगैरह ऐसे ही बचा हुआ है और इस पे भी देखिए खूब सारे रसगुल्ले बचे हुए हैं। तो नए वाले किचन में ना खाना बनाते हुए काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। अभी तो शुरू शुरू में मजा आ रहा है, लेकिन बाद बाद में खाना बनाने में भी आफत होगी भाई। और हमारे जो मेहमान है ना, वो भी नीचे रोड में पहुंच चुके हैं और यहाँ आने में ना उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो फटाफट से खाना बना लेते हैं भाई मेहमानों के लिए। तो यहाँ पे मैं खाना बना ही रही थी तभी मेहमान भी आवाज देने लग गए। कैसे हो? बस बढ़िया यार, कैसे है मेरी बॉक्सर बिल्ली? हेलो गाइस, कैसी है? बढ़िया। खाने में क्या बना रहा आज? अरे वही बन रहा है रोज की तरह, दाल चावल। ये देखो भाई, मेरे से छोटी है लेकिन मेरे से लंबी हो गई। जीजू सुन के, ये देखो जी मौसी भी आ गई यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मौसा जी भी पहुंच चुके हैं। मौसा जी प्रणाम। बहुत धन्यवाद। आप क्यों नहीं आए गृह प्रवेश? ये गृह प्रवेश के एक दिन बाद आ रहे हैं। वैसे मैंने इनको गृह प्रवेश में बोल दिया था आने के लिए, लेकिन ये आ नहीं पाए, आज आ रहे हैं।
कोई नहीं, आए तो सही कम से कम। तो अभी यहाँ पे मैंने खाना लगभग बना ही दिया था, बाकी यहाँ पे दीदी भी आ गई है हेल्प करने के लिए, और हम मौसा जी के लिए बना रहे हैं थोड़ा सा ये करेले की सब्जी। मौसा जी ने बोला करेले बनाओ पहाड़ी स्पेशल। हाँ वही तो। और यहाँ पे मौसी भी, क्या कर रहे हैं आप मौसी? अच्छा ठीक है ठीक है। और अभी मैं मोहिनी को लेके चलती हूँ अपने किचन गार्डन में, वहां से मूली लेके आते हैं। चलो आज मोहिनी को दिखाएंगे अपना किचन गार्डन, ठीक है? हाँ चलो चलो। तो अभी मोहिनी आ गई है मेरे साथ किचन गार्डन में, और मोहिनी मेरा किचन गार्डन देख के सरप्राइज हो गई। हाँ वही तो, इतना सारा दीदी ने लगा रखा है। हाँ, और वैसे ये सही है दोस्तों कि किचन गार्डन से निकालो और खाओ एक ही साथ। हाँ सही बात, पहाड़ी ऑर्गेनिक। तो अभी हम यहाँ से निकालेंगे मूली, और मूली देखिए भाई काफी बढ़िया हो रखी है यहाँ पे, और यहाँ सगोड़े में मैंने जितनी भी चीज बोई ना वो सब ही काफी बढ़िया हुई। तो यहाँ पे घर के बाहर से भी ना हमारा नल लगाया हुआ है, तो हमको आसानी हो गई है यहाँ पे सब्जी वगैरह धोने के लिए। जैसे ही किचन गार्डन से निकालो यहाँ पे धो के अंदर ले जाओ, अब काफी बढ़िया हो गया है यहाँ पे भी, और बड़े बर्तन धोने के लिए भी काफी बढ़िया हो गया है। तो यहाँ पे किचन का माहौल देखिए बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है, और यहाँ पे हमने मौसी जी, मौनी को और मौसा जी को खाना भी परोस दिया है। मौनी कैसा हो आज पहाड़ी स्पेशल थाली? एक नंबर। 10 नंबर नहीं दोगे? 10 नंबर मतलब खाया बार में सबसे 1 नंबर ना। ठीक है ठीक है। मौसी कैसा हो रहा? बहुत अच्छा। सासू जी कैसा हो रहा है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है अगला दिन, और अभी सुबह के करीब 9 बज चुके हैं, और कल हमारे घर पे जो मेहमान आए थे हमारे मौसी लोग, आज उनकी तैयारी हो गई है ऊपर केदारनाथ धाम में जाने की। तो शुभ यात्रा आपको। जय श्री केदार। हाँ अच्छे से यात्रा करना, ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। और अभी हम जा रहे हैं खेतों के रास्ते से, क्योंकि ये डाउन पे इनको थोड़ा दिक्कत होती है अब चलने पे, वो रास्ता थोड़ा बहुत खराब भी है, तो हम खेतों के रास्ते से जाएंगे, ये रास्ता बढ़िया है जाने के लिए। और ये देखिए धीरे धीरे पूरी सार भी खाली हो गई है, सब लोगों ने न्यार काट दिया है। अब कुछ टाइम बाद ना इनमें गोबर डालने की तैयारी होती है, फिर यहाँ सरसों बोया जाता है। मौसी कैसा लग रहा है आज के दाना जा रहे? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम नीचे रोड में आ गए हैं, बाकी यहाँ पे मौसी लोगों ने जितना भी जरूरी सामान था वो एक बैग में रख दिया है, क्योंकि फालतू भी लोड क्यों बढ़ाना, क्योंकि इनको जाना है हेली से, और इनका हेली है जामू से, तो इनको जल्दी जल्दी तो जाना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ से ठीक सामने पे ये है जोशी का हेलीपैड, बाकी हेली भी यहीं पे रुका हुआ है अभी, क्योंकि ऊपर केदारनाथ धाम में मौसम कब पैक हो जाए कुछ भी पता नहीं है, और इसीलिए ना जो यात्रियों की बुकिंग है वो आगे पीछे हो जाती है, और किसी किसी का तो टिकट कैंसिल भी हो सकता है ऐसे में। और यहाँ से ठीक नीचे देखिए भाई पार्किंग का नज़ारा, आजकल पार्किंग गाड़ियों से खचाखच भरी हुई है, और जो मंदाकिनी नदी है ना वो देखिए आजकल उसका जल स्तर कितना कम हो गया है। अभी टाइम करीब 2:30 बज चुके हैं, बाकी अब जाके मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ, क्योंकि सुबह से ही मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। जिस दिन से मैं इस घर में आई ना उस दिन से यहाँ बस सफाई करने का ही काम हो रहा है। 1 बजे तक मैंने सफाई का काम निपटाया, और फिर अभी यहाँ पे लंच वगैरह बना दिया है, और घर से तो सारे मेहमान चले गए हैं, बस अब हमारे घर पे ना सिर्फ 2 ही मेहमान बचे हुए हैं, जो कि सबसे पहले भी आए थे और सबसे आखिरी तक भी यही हैं। खाना खा के जाएंगे तो लास्ट में। हाँ अब खाना खा के जाएंगे, और दो बज गए अभी तक मेहमानों को खाना नहीं मिला, 3 बजने वाले हैं। आराम से भूख किसी को लगी हुई। हाँ वही तो, दिन भर बैठ बैठ के भी भूख कहाँ से लगनी। तो अब जल्दी जल्दी इनको ना लंच परोस देते हैं। अतिथि आप कब जाओगे? अतिथि नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, यहीं रहो, कोई नहीं बहुत जगह है रहने की। नहीं नहीं हम भी जाएंगे, घर जाएंगे। जाओ तो।